बहुत अच्छा काम किया है। अभी इतना ही चाहूँगा आप सबसे दरख्वास्त है कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो है उसको आप तवज्जो दें, सुने और बढ़ावा दें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, बुरा लगे तो भी कमेंट करें, ताकि हमें सीखने भी मिले। और अशर ने बहुत अच्छी कोशिश की है इस गाने में, म्यूज़िक वाइज, प्रोडक्शन वाइज, और वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया है। सलमान और शिवांगी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो बात यह है कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में खुल के हम लोग अपना रख पाते हैं म्यूज़िक, जो भी हमने सीखा, जो हमें आता है। तो हमारी कोशिश कितनी सार्थक है, कितनी सही है, वो आप ही बताएंगे। तो आप उसको अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपने लाइक्स के ज़रिए या अनलाइक्स के ज़रिए बताएं, ताकि हमें सीखने भी मिले और हम आगे भी और अच्छा कुछ कर सकें। जी, नहीं, मुझे यकीन था कि इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बाहर आएगा। और जहाँ तक एक गाना होता है, वो अपने आप अपनी सिचुएशन बना लेता है, सिनेरियो बना लेता है कि उसको कैसा शूट होना है। और डायरेक्टर ने काफ़ी हद तक न्याय किया गाने के साथ, और एक खूबसूरत छोटी शॉर्ट फिल्म बन गई है, 5-4 मिनट की जो भी है। तो सबकी मेहनत इसमें है और सबने दिल से काम किया है। अशर ने बहुत अच्छा कंपोज किया है, अपनी कम उम्र में भी उन्होंने अपने फन को मतलब उजागर किया है, और एक अच्छा कंपोज़र आगे फ्यूचर में बनने की उनके अंदर खासियत और शंकाएं हैं माशाल्लाह। जी, दोनों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लगे इस वीडियो में मुझे। और सलमान काफ़ी अच्छे हैं, और उन्होंने अपने किरदार के साथ काफ़ी न्याय किया है। शिवांगी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके फ्यूचर के लिए भी कामना करता हूँ कि वो और अच्छा काम कराएंगे। अब दिस सॉन्ग, हाय दिस सॉन्ग, ये मुझे अभी फ़िलहाल लिरिक्स में, जब गाना हिट हो जाएगा तो मुझे याद होगा। अभी मुझे बहुत सारे गाने, मुझे मेरे खुद के गाने याद नहीं रहते हैं जो आ चुके हैं, लेकिन मैं क्या कि पेपर देख के गाने वाला हूँ, तो ऑलवेज बट आई कैन ट्राई। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, हाय साध मुरादी सोनी पाबत गुम है, गुम है, गुम है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों को गाना पसंद आया हमारा। हम लोग अपने काम के लिए जो भी प्रोजेक्ट हमारा होता है, हम लोग बहुत दिल जान से मेहनत करते हैं। उसी तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी मेहनत यहाँ पर आके रुक गई है, अभी जो मेहनत होगी प्लीज़ आप लोगों की है। देखिए गाना, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे प्यार दीजिए। जितना प्यार आप लोग देते रहेंगे, हमारे अंदर जो और जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ता रहेगा, और हमें उम्मीद मिलेगी कि हम लोग और ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे अगला। तो प्लीज़ प्यार देते रहिए, आप क्या कहना चाहिए? वही, प्यार देते रहिए। अगर आप लोगों ने गाना सुना है तो गाना तो बहुत कमाल है ही, वो एक ही बार में पसंद आ जाता है। शाहिद जी की आवाज़ ने उसमें 4 चांद लगा दिए। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी एज एन एक्टर, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी। उसमें बहुत सारे शेड्स थे प्ले करने के लिए, एक अल्जाइमर पेशेंट थी, मोहब्बत थी, सैडनेस था, सब कुछ था। सो वो मुझे बहुत पसंद आया, और इसलिए मैंने वो सॉन्ग किया। कम्प्लीटली फिल्म कर ली मैंने। सेट पे कैसा होता है सलमान भाई? सेट मैं बोलूँ, सेट पे मैं सलमान को तो पहले से नहीं जानती थी, मतलब सिर्फ हाय हेलो था। बट जो डायरेक्टर हैं हमारे, उनके साथ मतलब एक भाई बहन वाला रिश्ता, मतलब वी वर वेरी क्लोज, और अशर भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और सब जानते थे कि मेरा पहला सॉन्ग है और मैं बहुत 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 ज़्यादा नर्वस हूँ। तो सेट पे माहौल बहुत प्यारा था,
एकदम घर वाला माहौल था, कुछ नहीं होता, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो ऐसा माहौल था। इस वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा घर वाला माहौल था, ऐसे ऐसा लग रहा था अपने घर वाले लोगों के साथ कर रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। एंड ऑफकोर्स मैंने बताया मेरे एक्टर ऐसे थे कि मुझे बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। यार एक्चुअली ना बात ऐसी है कि इस टीम के साथ मुझे काम करते हुए बहुत टाइम हो चुका है। अशर जो कि हमारे प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिक कंपोज़र हैं, उनके साथ में मैं तकरीबन पिछले 5-6 सालों से हूँ। और ये मेरा अगर मैं काम की बात करूँ तो शायद हम लोगों का ये थर्ड प्रोजेक्ट है जो कि हम साथ में कर रहे हैं। तो हमारी आपसे अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बन चुकी है, क्योंकि जब आप एक दोस्त भी अच्छे हैं और साथ में आप काम भी बेहतर करते हैं, और हम दोनों की बॉन्डिंग कुछ इस तरह की बॉन्डिंग है, हम दोनों चाहते हैं कि हर एक काम में अपने आप को बेहतर तरीके से पेश कर पाएँ। और अशर भी उस चीज़ में इतने ईमानदार हैं कि वो अपने हर म्यूज़िक में, अपने हर गाने में ट्राई करते हैं कि जो ट्रेंड में चल रहा हो उससे अलग हट के कुछ ऐसा ट्राई करें ताकि मार्केट में कुछ आके किसी का ध्यान जाए, लोग देखें कि एक अलग तरह का म्यूज़िक भी बन रहा है या फिर लोग उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो इस तरह की कोशिशें हमारी रही थी। और तो एक टीम बहुत अच्छी है, टीम मेरी खुद की प्यारी टीम है, मेरी खुद की घर की टीम है। तो ये काम करने के लिए एक्सपीरियंस तो ऑफकोर्स अच्छा ही होना था। मैं एक्चुअली एक्टर से पहले एक इंजीनियर हूँ, और मेरे सारे इंजीनियरिंग या स्कूल वाले दोस्त आए हुए हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। फैमिली में मेरी बहन आई हुई है, मम्मी पापा का आना हो नहीं पाया, एंड दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी। जी मुझे मैं बताती हूँ, ये इंजीनियरिंग करने के बाद पता चलता है कि आपको क्या करना है, तब तक नहीं समझ आता। उसके बाद आपको पता चलता है अच्छा मुझे ये करना था, मुझे पेंटर बनना था, मुझे एक्टर बनना था, मुझे डायरेक्टर बनना था, तो ऐसा होता है। बस इंजीनियरिंग ख़त्म हुई और फिर मेरे को समझ आ गई कि छी मैं ये क्या कर रही हूँ, छी मैं ये क्या कर रही हूँ, इस बात को नोट करना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सारे सवाल तो आते ही हैं कि बेटा यही करना था तो ये क्यों किया, तो उन्होंने बोला पहले पता नहीं था ये करना है, तो अभी नहीं। मैं तो बोलती हूँ अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी सेटल, मैं इंजीनियरिंग के बाद मैं एक जॉब भी कर रही थी MNC में, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप एक सेटल जॉब छोड़ के किसी मतलब स्ट्रगल करने निकल जाते हो, तो वो एक स्टेप हर कोई नहीं ले पाता है, और जो लेता है हैट्स ऑफ। हाँ सबसे पहले मैं इन्हीं के बात में कहना चाहूँगा इंजीनियरिंग के बारे में। एक्चुअली कहीं से सुना था मैंने, अपना ओरिजिनल नहीं है ये। सो इंजीनियरिंग में इतना प्रेशर मिलता है उस स्टूडेंट को कि उसे प्रेशर झेलने की आदत हो जाती है। तो वो प्रेशर और इतने प्रेशर में रहकर भी वो बड़े बड़े कमाल के काम करता है हर वक्त। तो मुझे ऐसा लगता है इंजीनियर जो हैं वो इस लाइन में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनमें हिम्मत बहुत आ जाती है कि हमने बड़े बड़े प्रेशर झेल लिए, अब ये भी झेल ही लेंगे, तो इस बहाने वो ये भी झेल जाते हैं और कामयाबी हो जाते हैं। इंजीनियर्स आर बेस्ट फॉर एवरीथिंग। ऑडियंस के लिए यही कहेंगे यार प्लीज़, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, प्लीज़ देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत मेहनत की है, पहला गाना है, अच्छा गाना है, बहुत सारा प्यार कीजिए। गाना लॉकडाउन में लिखा था एंड यहाँ पे आने के बाद एक क्लासिक गाना आया था मेरा ठंडा बुखार, आप लोग उसमें भी आए थे, प्यार दिया था बहुत। उसके बाद वी वांटेड टू डू समथिंग न्यू एंड समथिंग बिग स्केल, और शाहिद भाई के साथ उस वक्त में मेरा एक गाने का प्लानिंग चल रहा था, वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग, और बट शाहिद भाई ने मुझे बोला कि अर्शद मुझे एक और गाना चाहिए, कुछ अच्छा गाना दे। सो आई वेंट हिम विद दिस सॉन्ग एंड ही लाइक्ड इट एंड रिकॉर्डेड। जब हमने इसको रिकॉर्ड किया तो मेरी डायरेक्शन टीम को लगा कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली स्टोरी बेस्ड यू नो सॉन्ग, एंड इसमें एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ एक प्रॉपर एक्टर्स होने चाहिए। तो दे वी वर लाइक, हमने बोला कि चलो इसको फाइनली कर लेते हैं, एंड दैट्स हाउ वी मेड दिस सॉन्ग। सलमान के साथ तो मैंने काम कर चुका है पहले, जैसे वो भी बताते हैं कि हम बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्ती है, काफ़ी सालों का हमारा दोस्ती है, और एक क्रिएटिवली गए हम लोग कनेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। एंड इस रोल का जब हमने कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं लगा अपने लिए। एंड शिवांगी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, नौटंकी किया करती थी फ़ोन पर, टिकटॉक पर,
just told her, "Yaar, come here and let's just try something else." And we discussed about she was doing her engineering. She was in some company that time, and she was very confused कि क्या किया जाए, engineering किया जाए या काम किया जाए. मैंने कहा उसको छोड़ दो, इधर आ जाओ. And then she came on board. She learned a lot. She's a great learner. और उसका performance ऐसा है नहीं कि उसने first time ऐसे दिया. So I congratulate her and Salman both for giving and thank you both of you for giving this song. जी. सर हम तो सर हम रोज़ देने के लिए तैयार हैं, आप मौका दीजिए. बट ये है कि जो 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 लोग लेने वाले हैं, आई थिंक दे आर नॉट इंटरेस्टेड. उन्हें आदत हो गई है सड़ी गली खिचड़ी खाने की, और वो वही खिलाना चाहते हैं, और पब्लिक बड़े मज़े से खाती है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमको भी चेंज होना पड़ेगा ऑडियंस को. सर इट्स नॉट अबाउट मुन्नी बदनाम या अरिजीत, इट्स अबाउट ओरिजिनलिटी. मुन्नी बदनाम भी तो ओरिजिनल ही था ना. मैं कह रहा हूँ कि वाई आर यू ब्रिंगिंग रिमिक्सेज एंड जस्ट एक गाना पकड़ के चल रहे हो. यू नो मुन्नी बदनाम वाज सच अ ब्रिलियंट कंपोजिशन वाजिद भाई और साजिद भाई की कंपोजिशन थी, बट दे नेवर रिपीट देयर एल्बम्स. यू नो साजिद भाई के जाने के बाद अफसोस सबको इसीलिए हुआ था बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर्स दैट वी हैव. और अच्छा इंसान जब जाता है तो सबको दुख होता है, वैसे ही उन्हें रिपीट नहीं किया अपने म्यूजिक. दैट्स व्हाट आई विल ऑलवेज ट्राई टू से के डोंट रिपीट योर जॉनर, कम विद न्यू थिंग एवरी सिंगल टाइम. और वो सर यहीं से निकलता है हर आर्टिस्ट का. बट जो शायद सामने जो बाबू लोग बैठे हैं, मैंने बाबू लोग बोलता हूँ, वो बाबू लोग को शायद सोचना चाहिए कि आर्टिस्ट में और छाप के देने वाले में बहुत फ़र्क होता है. सर मैंने किया था, आप सबके बोलने पर मैंने किया था 2019 में. एक मेरा गाना आया था मोहब्बत, बट मुझे लगता है कि आई एम नॉट एन एक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आई डोंट वांट टू उसको ज़बरदस्ती करना नहीं है मुझे. एंड स्पेशली सॉन्ग्स लाइक दिस विच आर बिग इन ऑन कैनवस, तो वो छोटे मोटे काम चल जाते. बट आई एम नॉट एन एक्टर, आई एम अ कंपोजर, प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट सूट्स मी. सर मेरे लिए म्यूज़िक एक वजह है ज़िंदगी में जीने की, जिसको आप फील कर सकते हो रियल टाइम में ना. आप हर चीज़ में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का एक फ़र्क होता है. आप चिमटी काट रहे हो तो आपको लगेंगी एंड देन यू रिफ्लेक्ट इट. म्यूज़िक समथिंग लाइक आपने सुना और वो तुरंत आपको हिट करता है. तो आई थिंक इट्स मैजिक एंड वी ऑलवेज वॉन्ट टू रीच समवेयर. हमारे भी बहुत आइडल्स है और जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम सुन के बड़े हुए हैं, तो आई थिंक वहाँ तक हम कम्पीट तो नहीं कर पाएंगे, बट उनकी जो एक लेवल है इंडियन म्यूज़िक को हमको करने की कोशिश करें. सर सीखना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक सीख के अगर आएंगे तो अच्छा करेंगे, और अगर वैसे ही आ जाएंगे तो फिर वही करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं. तो आप सीख के आइए और असिस्ट करिए लोगों को बॉम्बे आके, देखिए क्या चल रहा है और सोचिए क्या चाहिए ऑडियंस को, और फिर बनाइए. तो आई थिंक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है. हम सब ने नोटबुक तो देखी है, ऐसी काफ़ी स्टोरीज हमने देखी है जो फिल्म्स में आती है, बट ये आई थिंक वन ऑफ अ काइंड सॉन्ग है जिसमें पूरी स्टोरी फिल्म की तरह एक गाने में आ गई है, समा गई है, जो बहुत ही ब्यूटीफुली शॉट किया गया है. और मेरा बहुत ही डियर फ्रेंड सलमान ने इसमें परफॉर्म किया है. इवन द गर्ल इज़ रियली नाइस, सो इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. एक एक करके दो दो पूछ रहे डेफिनेटली हम उसके बारे में बात करेंगे. इट्स कॉल्ड दिल्ली वाला दिल, बट आने दो ना, फिर बात करेंगे. वी विल हैव सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगी मैं. कैसेट की बात करते हैं. कैसेट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने बचपन में कैसेट बहुत सुने हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ मतलब पड़े रहते हैं, मम्मी पापा के भी पड़े रहते हैं ना, कहीं रखे रहते हैं. तो वो कैसेट मैंने कहा मेरे को डेफिनेटली देखना है, तो सलमान ने मुझे टीज़र भी भेजा. सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड जो स्टोरी उसमें आई है वो बहुत ब्यूटीफुल है, जो दिल को छूती है एकदम. सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल 100% ना. जो अच्छी चीज़ देखते हैं उसमें खुद को इमेजिन करते हैं, बट आई एम श्योर इज गोइंग टू मेक समथिंग बेटर एंड टेक मी इन दैट. यार ये गलत बात है, ये आप बताइए मुझे. हाँ जी हाँ यस 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 फॉर श्योर. मतलब ये तो आपने बहुत इस लड़ाई करवाना चाहते हैं आपके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गाना तो मतलब अशर मेरे साथ ही रहता है, वी आर रूममेट्स.
तो गाना तो स्क्रैच से बनने से लेकर लिखने से लेकर से ही साथ में था उसके, मतलब जब लिरिक्स स्टार्ट हुई पहले अक्षर से लेकर आखिरी से लेकर सब कुछ साथ में ही था। इसमें वीडियो जैसे जैसे ऐसे गाना बनता गया उसी हिसाब से वीडियो भी आगे हम प्लान करते गए, और जब शाहिद भाई ने ये गाना गाया तो उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया वीडियो का, हमने उसका पूरा लुक ही बदल दिया जिस तरीके से उन्होंने गाया। तो हाँ, मतलब इस तरीके से ही पूरा रहा गाने का मेरा कर। सर इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ तो राइटर का है, जिसने ये स्टोरी लिखी, विश्वजीत जगदीश ने ये स्टोरी लिखी है। तो स्टोरी लाइन बहुत अच्छा था, बहुत अलग तरीके से था, मतलब कभी भी किसी सॉन्ग में इतना सैड या इतना इंटीमेट एल्बम्स में नहीं दिखाते हैं ज़्यादा, तो वो एक मेरे लिए भी नया था शूट करना। और पूरा प्रोसेस ये था कि गाने में हमने वीडियो को बहुत अलग तरीके से दिखाना था, अपना लव एक कैसेट्स के थ्रू उसने दिखाया कि किस तरीके से वो अपनी बातें जब भूलती थी तो कैसेट्स में रिकॉर्ड करती थी, उसके थ्रू उसने अपना लव दिखाया। मतलब ये ऑनेस्टली बताऊँ तो ये स्टार्टिंग में तो ये यूं ही आया था, मतलब कि हाँ, मतलब कि यू नो वो रिकॉर्ड करती है तो लाइक वॉकमैन में रिकॉर्ड करती है तो ऑफ कोर्स कैसेट में, तो इस तरीके से कैसेट उससे जुड़ा था। सर आगे है ऑफ कोर्स लाइनअप है कुछ प्लानिंग, बट सॉन्ग्स ही है, देर आर 2-3 पंजाबी सॉन्ग्स लाइनअप जो है। सो सेम, मतलब उनके सिंगर के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, उन्हीं सिंगर का नया गाना आ रहा है अभी तो उनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ। सर मतलब जो वॉकमैन मतलब का जो एक फीलिंग है, वो जो कैसेट्स में रिकॉर्ड करने का एक ज़माना था, एक फील था, वो एक उसका एक फीलिंग ही अलग होता था जब आप अपनी बातें कैसेट्स में एम्प्टी कैसेट्स लेके रिकॉर्ड करते थे और उसको प्ले करते थे। उसी थॉट के साथ हमने रखा कि कैसेट्स, और आज के दौरान में लोग कैसेट्स को भूल ही गए हैं, मतलब मैं खुद कैसेट्स को सुन के ही बड़ा हुआ हूँ, राइट, मतलब पेन ड्राइव भी अब तो नहीं चल रही है तो मैं खुद कैसेट्स को सुन के बड़ा हुआ हूँ, तो बहुत अट्रैक्टिव था जब कैसेट्स उसमें आया, तो इस तरीके से हमने फिर उसको कैसेट्स के ही जोन में लेके गए गाने को पूरा। सलमान तो मतलब वो सलमान ही है, सलमान बहुत अच्छा एक्टर है, सलमान के साथ मैं पहले भी एक दो गाने कर चुका हूँ, बहुत कम्फर्टेबल रहता हूँ, बहुत हम्बल है, और स्पेशली वो अपने करेक्टर को हर बार बहुत ही पॉजिटिविटी से और बहुत नेचुरल तरीके से निभाता है, द बेस्ट पार्ट। एंड शिवांगी तो डेब्यू था, पर ऑनेस्टली ऐसे मैंने अंदर भी कहा कि मेरे को उसके साथ ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी न्यू एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा हूँ, इट वॉज रियली गुड फॉर मी कि मेरे को ऐसे एक्टर्स मिले जो ईजिली यू नो मेरे कैरेक्टर्स को जिन्होंने फील करा और उसको पर्दे पर दिखाया और सबको सेटिस्फाइड किया। थैंक यू सो मच।